बहुत सारे सदाबहार पिक्चर और सदाबहार गाने दिए हैं जो आज हम सब गुनगुनाते रहते हैं। और बॉम्बे टॉकीज अब राष्ट्रपुत्रा ये मूवी लेकर आया है। राष्ट्रपुत्रा 26 लैंग्वेजेजों में बनी है, 26, ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और हमारी देव भाषा संस्कृत उसमें भी बनी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि संस्कृत में कोई सिनेमा आ रही है, बहुत गर्व की बात है। आज इस सभागृह में उपस्थित मेरे सारे भाई बंधु, मेरे अपने प्रेस और मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सबको भारतीय सिनेमा के आधार स्तंभ बॉम्बे टॉकीज और वीर रस के नायक राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्र आजाद और टीम आजाद की तरफ से मैं अभिजीत घटवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं और सनातनियों के महापर्व विजय दशमी की शुभकामनाएं देता हूं। बॉम्बे टॉकीज के इस कार्यक्रम में अब हम अपने परिवार के बॉम्बे टॉकीज के महनीय पूर्वज, यशस्वी पूर्वज, पूर्वजों की त्रिवेणी राज नारायण दुबे, हिमांशु रॉय और देविका रानी की विराट देही स्मृति को नमन करता हूं, उनकी उपस्थिति को, पुण्य पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रपुत्र के इस महोत्सव में, इस महासम्मेलन में, इस महायज्ञ में जो भी उपस्थित हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतिहास के साक्षात्कार का समय है। हमारे हिंदी साहित्य के राष्ट्रपुत्र मैथिली शरण गुप्त ने बहुत पहले कहा था कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मणिपुर से तो खैर हमारा सामाजिक, राजनीतिक, यहां तक कि पौराणिक संबंध रहा है। अर्जुन का जब निष्कासन हुआ हस्तिनापुर से, अर्जुन मणिपुर गए, वहां नाग कन्या उलूपी से उनका प्रेम संबंध हुआ और सभी जलचरों के स्वामित्व की घोषणा की। उसके बाद चित्रांगदा से उनका प्रेम हुआ और उन बब्रू वाहन पैदा हुआ। बब्रू वाहन के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। पिता पुत्र के युद्ध में बब्रू वाहन ने गांडीव धनुर्धारी अर्जुन का वध कर डाला। अपने पिता के वध के कारण, अपराध बोध के कारण आत्महत्या करने के विचार करने लगा तो उलूपी ने अपने अद्भुत अलौकिक मन से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। यह हमारा संबंध है मणिपुर के साथ। अब 1930 और 40 का जो दौर है, दो तरह का दौर चल रहा था उस टाइम। 1930 और 40 का जो दौर है वो निर्णायक दौर था। एक तरफ राष्ट्रवादियों के लिए पराभव का दौर था, कलाकार अपनी जमीन की खोज में, भूमि की तलाश में भटक रहे थे। उस समय का दौर ऐसा था, हमारे राष्ट्रवादी कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद आदर्शवाद का मोह त्याग कर यथार्थवाद की जमीन पर कहानियां तलाश रहे थे। चंद्रशेखर आजाद अपने बालपन में चार कदम गांधी के नक्शे कदम पर चले, लेकिन उन्हें ज्ञात हुआ कि अनुनय विनय याचना प्रार्थना का दौर समाप्त हो चुका है। हालांकि ये अनुनय विनय का दौर तो भगवान प्रभु श्री राम के समय से ही समाप्त हो चुका था, बल्कि यूं कहें कि वशिष्ठ के समय से ही। जब कल्मषपद ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा तो वशिष्ठ की अहिंसा नीति काम नहीं आई। एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम समुन्दर से रास्ता देने के लिए 3 दिन तक विनती करते रहे। 3 दिवस तक पंथ चौहते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी आग पौरुष की राम केसर से। अत्याचार सहन करने का यही कुफल होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है।
ये वीर भोग्या वसुंधरा ये भूमि है, ये हमारे पूर्वज ब्रह्मा और ब्रह्मा के मानस पुत्र और वशिष्ठ विश्वामित्र से होते हुए राम कृष्ण परशुराम से होते हुए आजाद तक जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा को अचानक दिशा बदल दी गई और शांति शांति रटते हुए पूरे पराक्रमी पुरुषार्थ से भरी हुई कौम को निर्वीर और नपुंसक बना दिया गया। हम हजारों साल गुलाम रहे, ये किस बात का सूचक है, ये किस बात का द्योतक है, ये किस बात का संकेत है? संकेत है कि हम अपने पराक्रम को भूल चुके, हमने अपने पैरों पर भरोसा ही नहीं किया, हमने बैसाखियां पकड़नी शुरू कर दी और जो बैसाखी के सहारे चलेगा वो अपाहिज हो ही जाएगा। मुझे ज्ञात है 1940 में जापान के महाकवि योन नगुची भारत आए थे। एक तरफ क्रांतिकारियों के प्रभाव का दौर था, दूसरी तरफ सत्ता लिप्सा में लीन ये शांतिवादी सत्ता की जुगाड़ में किस किस तरह से क्रांतिकारियों को अपने पद से हटाने के लिए दुर्भिसंधि करते रहे। राष्ट्रवादियों का मनोबल टूट चुका था। ऐसे समय में जापान के महाकवि योन नगुची ने भारत के उन वीर पुत्रों को जगाने के लिए एक सूत्र दिया, यू हैव टू गिव योर पीपल द सेंस ऑफ हंगर, तुम्हें है अपने लोगों को बताना अर्थ भूख का। पेट की भूख तो रोटी से मिट जाती है, लेकिन आत्म सम्मान की जो भूख है और राष्ट्रवाद की जो भूख है तो रोटी से मिटने वाले नहीं, उसके लिए प्राण निछावर करने पड़ते हैं। और ये राष्ट्रवाद की भूख, राष्ट्रवाद की लहर, राष्ट्रवाद की भावना धरा पर जब चलती है, वो डगमग डगमग हिलती है, वो अन्याय खा जाती है, अन्याय को चबा जाती है और निगल जाती है पल में। आतताइयों का तो शासन हड़प चुकी अब तक कितने ही अत्याचारी व्याभिचारी अधर्मी विधर्मी कुकर्मी सम्राटों के छत्र कृत दंड सिंहासन। उस पराक्रम को, उस पुरुषार्थ को जगाने के लिए हमारे आजाद ने एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम किया है। 1934 में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हुई। हिमांशु रॉय विदेश से फिल्म मेकिंग की, फिल्म कला की, फिल्म टेक्निक की शिक्षा लेकर आए और यहां भूमि की तलाश करने लगे, लेकिन दुनिया तो अपनी चाल चलती ही रहती है, कलाकारों को भूमि कौन मुहैया कराएगा? निराशा हताशा पिपासा के दौर में आविर्भाव हुआ मां काली के अनन्य भक्त, एक ऐसे महामानव का जिसे इतिहास राज नारायण दुबे के नाम से जानता है। और राज नारायण दुबे ने कलाकारों को मंच मुहैया कराने की दृष्टि से बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। मुंबा देवी की नगरी इस मुंबई में बॉम्बे टॉकीज की स्थापना हुई और अनगिनत कलाकार दिए। लेकिन जैसा भी होता है कि मानव के सुख में दुख ऐसे चुपचाप आ जाता है ओस ढुलक पड़ती जैसे मकरंदमयी पखुड़ियों में। अचानक बीच दोपहर में बॉम्बे टॉकीज के सूरज को ग्रहण लग गया। अपने ही लोगों के लोभ ने, स्वार्थ ने, महत्वाकांक्षा ने, अति महत्वाकांक्षा ने, न्यस्त स्वार्थ ने बॉम्बे टॉकीज को अकारण पटाक्षेप करने के लिए बाध्य कर दिया। जिस बॉम्बे टॉकीज को राज नारायण दुबे ने अपने श्रम से, साधना से, तप से, समर्पण से सींचा था, राज नारायण दुबे की मधुशाला अपने उरुज पर उसके कपाट बंद हो गए। दो दौर न चल पाए थे इस तृष्णा के आंगन में, गूंजा मदिरालय सारा मतवालों की क्रंदन में, यमदूत द्वार पर आया ले चलने का परवाना, गिर गिर टूटे घट प्याले, बुझ दीप गए सब क्षण में, सब चले की सिर नीचे ले अरमानों की झोली, गूंजी मदिरालय भर में लो चलो चलो की बोली। और बॉम्बे टॉकीज बंद हो गया। राज नारायण दुबे ने अप्राण चेष्टा की बॉम्बे टॉकीज किसी तरह अपने उत्कर्ष में बना रहे, लेकिन संभव नहीं हुआ। 1954 में बॉम्बे टॉकीज का पटाक्षेप हो गया।
लेकिन प्रकृति हर रिक्त स्थान को भर देती। इतने सालों के बाद इतिहास ने एक और कलाकार को बॉम्बे टॉकीज के उद्धार के निमित्त सामने लाया। सैन्य विद्यालय के छात्र, राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्र, संवेदनशील कलाकार जिन्हें हम आजाद के नाम से जानते हैं, जो आपके सामने उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आजाद का स्वागत कीजिए। और सैन्य विद्यालय से शिक्षित और दीक्षित होने के बाद जब आजाद ने पूरे भारत की परिक्रमा की और पूरे भारत को जाना समझा गुना बुना और इस सनातन भारत की यात्रा में उन्होंने समझा कि जब 63 साल के बाद 63 इयर्स के बाद वापस भव्य पुनरागमन होगा बॉम्बे टॉकीज का, तो क्या लेकर आए, जनता के सामने फिर क्या पेश किया जाए। तो उन्होंने एक विस्मृत नायक को इतिहास के अंधेरे से निकाल कर लाया जिसे हम चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। 1.5 लाख अंग्रेजों को भगाने के लिए 7,32,000 मां भारती के राष्ट्रपुत्रों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये हमारे पराक्रम और पुरुषार्थ का महाघोर पतन है। धंस जाए वो देश अतल में जहां राष्ट्रवाद की नहीं पहचान। ये देश को अतल में धंसने से कोई नहीं बचा सकता। तो उस राष्ट्रवादी सनातनी राष्ट्रपुत्र चंद्रशेखर आजाद को अंधेरे कोने से निकालकर, इतिहास से निकालकर वर्तमान के सामने सम्मुखीन करने का दायित्व हमारे आजाद ने लिया। और आजाद ने बॉम्बे टॉकीज के भव्य पुनरागमन के साथ आजाद के चरित्र और व्यक्तित्व और कृतित्व को विश्व के कोने कोने में प्रचारित और प्रसारित करने का जो दृढ़ संकल्प लिया और जिस तरह से उन्होंने पूरी चेतना के साथ, कर्मठता के साथ, निपुणता के साथ, बुद्धि बोध मेधा प्रतिभा के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए पूरे बॉम्बे टॉकीज की तरफ से, टीम आजाद की तरफ से हम आजाद का अभिवादन करते हैं। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, इस बार बॉम्बे टॉकीज को तुम ही उत्तुंग शिखर पर लाओगे। जोरदार तालियां, तालियों की गूंज, ऐसा लग नहीं रहा कि राष्ट्रवादियों के महासम्मेलन चल रहा है। जितनी ऊर्जा आप मुझे देंगे उतनी ऊर्जा मैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको लौटाऊंगा। और ये सदियों सदियों में कभी कभार ऐसा होता है कि महासम्मेलन आयोजित होता है राष्ट्रवादियों का, तो आजाद है क्या? अभी तो मैंने बोला, आपने सुना, आपने देखा, ये आए, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो क्या है? इनका कृतित्व का एक थोड़ा सा अंश आपने देखा, एक झलकी देखी। जैसा कि हमने आजाद को समझा है कि आजाद विमलांग शरद की गहन गंभीरा झीलों से सीमांतमयी सीमा विहीन बंकिम रेखा मंडल में राकेश बिंब से उदित हुए कितने अनागत सपनों के सुंदर रहस्य, कितने अनादि सत्य आदर्श के आदि महत सौंदर्य रूप, विश्व अनुभूति के जिन उजियारे घेरों में नूतन विचार के धुंधले मंदे क्षितिज खुले, खुल गए कल्पना के दिगंत, खिल गए कल्पना के अमृत पारावार। तो आजाद ने रंग महलों को आभाहीन कर जन जन के मन में क्रांति की चिंगारी भरने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, जो व्रत धारा है, उसका समय आ गया है। आजाद ने राष्ट्रपुत्र के जरिए जो 26 भाषाओं में राष्ट्रपुत्र का सृजन किया है, उसमें जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मैथिली भाषा जो मणिपुर की भाषा है उसमें भी आजाद ने राष्ट्रपुत्र का सृजन किया है, तो मणिपुर से जो संबंध था, आज जो संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, भारत के गणराज्य के अंतर एक सम्मानित राज्य है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो पौराणिक कथा है, जो हमारे अंतर जहां से जुड़े हुए हैं, जहां से हमारा उद्गम जुड़ा हुआ है, उस उद्गम की भी मैंने चर्चा की। और इसके बाद एक महाजागरण, नव जागरण, पुनर्जागरण का समय आ चुका है। हमारे हिंदी साहित्य के हमारे महनीय पूर्वज महाकवि महाप्राण निराला ने ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि प्रयागराज में खड़े होकर इस नव जागरण का सूत्र दिया था। वो सूत्र क्या है?
वीर तुम समर शूर क्रूर नहीं काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन बंद छंद ज्यों डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणु में फूका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान है नश्वर दीन भाव कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम, भद्रज भर भी नहीं है पूरा ये विश्व भार, जागो फिर एक बार इसी जागरण की सार संपदा लेकर इसी जागरण का महामंत्र लेकर आपके सामने आजाद आया है, अब भी जागो ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हें जगाने आजाद आया है, चिरदास्ता से सदा मुक्ति का सनातनी पैगाम लाया है। और अंत में आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को, आप सबके भीतर विराजित मां भारती की प्रतिमा को, चेतना को, अभिजीत घटवार की आत्मा प्रणाम करती है, मेरे प्रणाम स्वीकार करें और आजाद का आवाहन करें। हे आजाद, ईगो से अशांत दिशाओं को संबल दो, आश्वस्त करो, घोषित कर दो, ध्वनित प्रतिध्वनित निनादित कर दो दिशाओं को, मरते मानव की विजय का आतुरी हूं मैं, राष्ट्रपुत्र हूं, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जोरदार तालियों के साथ अब आजाद और माननीय मंत्री जी आपके सामने जो मैथिली भाषा के जो मोशन पोस्टर हैं और जो पोस्टर हैं उसका अनावरण होगा और इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका स्वागत है, आप आए, कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और ये मोशन पोस्टर का अनावरण करें। It's very, very a great pleasure for me that Azad has invited me here in the relishing of Rashtraputra, that a Manipuri language, Meitei Lon we call, Meitei language is also included, that in my reminiscences, I have overthink that in my, when I was child, I did a story about one person, Sardar Vallabh Bhai Patel, who is trying hard to bring together all the princely state of princely kingdom of India into making one India. Now what we call a new India. Before India got independence, we are like princely state everywhere. We the Manipuri people also have our own king, like you have the Tipu Sultan, the Akbar the Great, everywhere there is a princely state. So after Sardar Vallabhbhai Patel ji ne itna mehnat karke aur he's bringing us together, now we have one India. Like I just remember that, I just think that Azad is not only an actor, not an editor, not an distinct producer, but he is also like Sardar Patel. He is trying hard to bring together the entire nation. We the Northeastern people also, it may be the first time after Mexico that we are included in one main Indian cinema. Hats off to Azad. You know, we the youngster, we are almost every youth educated now, and we have to bring India together. We have to live together, especially the Northeast. Every stakeholders, every organization are demanding their own different homeland. Now you may see NACNIM, the Nagas problem is the imbroglio of the law and order situation in Manipur and Northeast is very big. So in trying to bring harmony, in trying to bring peace in Northeast, film industry can this thing make play a pivotal role in bringing the upcoming youths in a right direction. So I hope and we are looking forward that
a person like Azad will prepare one film like that to bring the Northeast youth into the right direction and the mainstream. Thank you so much. Bombay Talkies ने जैसे बहुत बहुत महान कलाकारों को लॉन्च किया है और उसी तरह हम आजाद जी को भी लॉन्च कर रहे हैं बॉम्बे टॉकीज के थ्रू जिन्होंने ये मूवी हमें दी है राइटर डायरेक्टर आजाद जी ने तो मैं बॉम्बे टॉकीज की तरफ से आजाद जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ सर आप प्लीज स्टेज पे आ जाएं प्लीज एक मिनट अब प्लीज तालियां हो जाए जोरदार मेरे आराध्य चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि हाकिब जी और पत्रकार बंधु मेरी फिल्म के बुनियाद में 2016 का जेएनयू का नारा है जिसे पूरे देश ने सुना और देश चौंक उठा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई और मैंने उसी मैदान से उसका जवाब दिया भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जीता जागता राष्ट्र पुरुष है या वंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है या अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है इसका कंकर कंकर शंकर है हम जिएंगे तो इसके लिए मरेंगे तो इसके लिए गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आजादी के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्र को समर्पित है एक सूत्र है उपनिषद में अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गम्या असत्य से सत्य की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर मृत्यु से अमृत की ओर यही जिंदगी है आजाद जैसे महापुरुषों की आजाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को उसके साथ ही सनातन भारत के गौरव को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने फिल्म राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं में निर्माण किया है मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र काल के भाल पर काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगी जय हिंद वंदे मातरम मैं चाहूंगी कि पहले हम सनातन भारत का लोगो हमारे राष्ट्रपुत्र का ट्रेलर हमारे हमने जो दो गाने जो रिलीज किए हैं आप लोग उसको देख ले जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है अभिमान है अभिमान है जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है अभिमान है वह नर नहीं है पशुनिरा पशुनिरा और मृतक समान है और मृतक समान है आएगा
आजाद एक विचार है, आजाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है, आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते। आजाद मर ही नहीं सकते, आजाद की क्रांति के आड़े अगर आजाद के बूढ़े माँ बाप की भूख और प्यास आती है तो आजाद अपने बमतुल बुखारे की दो गोलियां उनके सीने में भी उतार सकता है। वंदे मातरम। जंगली सा है दिल, ओ अपनी तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल, समझे चाहे कोई न समझे हम तो लव के काबिल। जब भी हम मूड में आए मस्ती हमसे घबराए, मस्ती हमसे घबराए और उछले कूदे लहराए। चम 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 चम, अब
अपनी तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल, समझे चाहे कोई न समझे हम तो लव के काबिल। चाबी घुमाना रे और रन बचाना रे, हमको तो फर्राटे से गाड़ी भगाना रे, मौसम सुहाना रे अच्छा बहाना रे, हमको तो मून पे जाके अपना डिनर खाना रे। चाबी घुमाना रे और रन बचाना रे, हमको तो फर्राटे से गाड़ी भगाना रे। जब भी हम मूड में आए मस्ती हमसे घबराए, मस्ती हमसे घबराए और उछले कूदे लहराए। तबीयत आवारा और जंगली सा है दिल, समझे चाहे कोई ना समझे हम तो लव के काबिल। से यानी है ड्यूटी कहानी है, हमको तो यारा करनी अपनी मनमानी है, क्या जिंदगानी है छोटी जवानी है, हमको तो सारी खुशियां जय में अपनी लानी है। दुनिया से यानी है ड्यूटी कहानी है, हमको तो यारा करनी अपनी मनमानी है। जब भी हम मूड में आए मस्ती हमसे घबराए, मस्ती हमसे घबराए और उछले कूदे लहराए। आज तो गिरफ्तार कर लिया है, दोबारा गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। आजाद हूं, जिंदगी भर आजाद ही रहूंगा। हजारों साल मादरे वतन अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में एक आजाद पैदा। आजाद का पैदा होना ना अंग्रेजों के लिए अच्छा था ना नेपाली के लिए अच्छा है। वक्त की करवट का अंगड़ाई का नाम है आजाद। भूचाल बवंडर के आतंक का नाम है आजाद। आजाद से चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है। उसका मकसद कुछ और है। अरे आपने तो खामखा आजाद का हुआ बना रखा है। अब उस कमीने को मैं ढूंढूंगा। हर हालत में मुझे आजाद चाहिए जिंदा। जब जब अहिंसा दम तोड़ती है तब तब आजाद जन्म लेता है। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? शांति का रास्ता हिंसा के मैदान से होकर गुजरता है।
आजाद इंसाफ का इंतजार नहीं करता बल्कि इंसाफ करता है। अगर आजाद का इसी तरह से हर रोज हर दिन दिवाली मनाने का नशा बढ़ता गया तो मेरी जिंदगी मुहर्रम के मातम में डूब जाएगी। क्रांति कराली रणचंडी रक्त मांगती रक्त, तुम उसी खूनी क्रांति के बसिया हो, एक महानायक हो, राष्ट्रपुत्र हो तुम। वंदे मातरम। अब हम आपको वो दिखाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, यू आर माई लाइफ गाना, जिसको एश किंग ने गाया है और पलक मुच्छल ने गाया है और श्री बप्पी लहरी ने उसका म्यूजिक दिया है। तो कैन वी हैव दैट सॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर 26 भाषाओं में हुई, उसी तरह हमने ये पिक्चर मेथेई भाषा जो कि मणिपुर की लोकल लैंग्वेज कही जाती है उसमें भी हमने बनाई है और हम आज उसका पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं। और उसके लिए मणिपुर के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट यू आर हियर एंड यू आर लॉन्चिंग द मोशन पोस्टर ऑफ आवर मूवी, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर आजाद।
आज़ाद का इस्तेमाल जो होना चाहिए कभी नहीं है। भगत सिंह फिल्म आज़ाद कैरेक्टर आर्टिस्ट भगत सिंह टिल डेथ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वैशम पाए धनंतरी यशपाल सुजाति दुर्गा जैसे हजारों क्रांतिकारी गुरु थे। वो तो कहीं चर्चा में आया नहीं। पहली बार दुनिया देखेगी तो ठीक नहीं ना। तो उनकी बुनियाद क्या थी, उनकी उपस्थिति कैसी थी, उच्च कोटि के का व्यक्तित्व तो स्वतंत्र सेनानी सिर्फ आज़ादी इसमें है या इसमें और भी लोग हैं लेकिन आज़ाद मुखिया तो आज़ाद थे ना। भगत सिंह भी होंगे इसमें। हाँ भगत सिंह है उसमें। भगत सिंह है सुखदेव राजगुरु सुजला दीदी दुर्गा सभी हैं मतलब अलग मोटे मोटे सभी लोग हैं। वो युग और आज का युग ये दोनों में जोड़ने की कोशिश की है। 26 को दो तारीख दो नवंबर को आजाद का थोड़ी तो फिर बम का फलसफा लिखवाया था भगवती चरण वगैरह से और भी है मतलब मनीष चौधरी भी है अचिंत कौर भी है राकेश बेदी भी है और कई लोग हैं मतलब सब एक्टर अच्छे हैं। राकेश बेदी भी है और जो मुझे जैसे चक्कर क्या है जो जिसका चेहरा मुझे क्रांतिकार लगे उसको लूँगा। जब किसी पुराने थॉट को लेकर चलते हैं तो आपका लुक जहाँ जाएगा वहीं लेके चलूँगा। सरिंका तो सर वो जिसको घर से निकाल दिया बच्चे ने क्या ना उसका सिंघानिया साहब वही लग रहे हो सर। हाँ हाँ विजय पर सिंघानिया लुक वही आपका ना। बिकॉज़ आई एम अ कंप्लीट मैन। तो जो जरूरत जिसकी थी जो जिस लुक में था इसलिए लेना जरूरी था। अब पुरानी आप किसी बायोपिक पे भी काम करोगे पार्टली बायोपिक है तो आपको चेहरा जो लुक आएगा वही लेना होगा ना। हमारी इच्छा नहीं होती इसको लेना सर। डिस्ट्रो मुझे खुद ही करना है रिलीज खुद ही करना है तो कोई दबाव भी नहीं है कि कहाँ जाना है। पब्लिक तय करेगी भाई राहुल गांधी या मोदी हम कौन होते बोलने वाले भाई इसको दो उसको दो। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं चाहता हूँ राष्ट्रवाद से उत्पन्न जीवन हो। मैं मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद व्यक्ति पुरुषार्थ विहीन हुआ। कोर्ट कचहरी में उलझना आसान है। हम अपनी चीज़ों मतलब हमको चाइना भी चाहिए पाकिस्तान भी चाहिए अपने सामने की दुश्मन मार नहीं सकते। ये कौन सा मैथमेटिक्स है। और पाकिस्तान में आक्रमण कर दो उसको उड़ा दो चाइना भी कब्जे कर लो उसका औचित्य नहीं है। नहीं नहीं वो पाकिस्तान वाले हंसते हैं कहते हैं कि तुमको फायरिंग करने की भी इजाजत नहीं है। फायरिंग करने के लिए भी आपको दिल्ली से अपना जो है वो पूछना पड़ता है। सही है मतलब वो हंसते हैं कहते हैं कि तुम क्या क्या बात करते हो यू फॉर जस्ट टू फायर वन बुलेट आल्सो यू हैव टू आस्क टू दिल्ली वहां से आएगा तब जाके आप एक बुलेट फायर करोगे। अगर कर दी तो फट देके इंक्वायरी बैठ जाती है। लोकतंत्र का साइड इफेक्ट यही है ना। देखिए सबको वोट बराबर है बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं अंदर से कमजोरियां हैं या तो तुम करके दिखाओ ना। पॉसिबल नहीं आज इसराइल जो करके दिखाता है इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता है। क्या समान शिक्षा भी होनी जरूरी हो नहीं है। कई चीज़ें इसकी बुनियाद के अंदर 17 साल बाद भी मतलब 1947 में $1 बराबर था अब 75 रुपये का डॉलर हो गया। 1997 का आपको पाउंड है 84 का यूरो है। क्या मतलब इसका हम जा रहे हैं ऊपर कि यहाँ जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी हमारे लोकल प्रॉब्लम बढ़ रही है लेकिन हम लोग विश्व के दिखा जाए मानचित्र में पीछे जा रहे हैं। उसका कारण है कि हमारी बुनियाद एजुकेशन सिस्टम सुन लो चाहे वो जाति बोल लो कई चीज़ें हैं कि जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से लोग धक्के खा रहे हैं। चाहे धर्म का बात ले लो धर्म निरपेक्ष भारत कैसे पॉसिबल है। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू रहूँगा धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता हूँ। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मुस्लिम विचारधारा मेरी हो जाए कैसे पॉसिबल ही नहीं। अच्छा डू द फिल्म्स क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस कहीं वो सामाजिक जागरूकता फिल्म में सफल होती है आपके। नहीं सफल होती है लोग जो देखिए पब्लिक और मेकर के बीच में कुछ लोग होते हैं
पिक्चर लोग कहीं और लेके जाते हैं, वो चाहते कहीं और बने। धारा 377 की बात करते हैं, क्या सही है? क्या 477 की क्या सही है? किसी पत्नी किसी के साथ कोई नियम नहीं, इच्छा नहीं, कौन कुतुक ही नहीं है। ईश्वर ने अगर आज की तारीख में जीवन दिया है आपको, या किसी में कमियाँ हैं, मान लो उस कमियाँ होगी दूसरे टाइप, तो उस कमी को दूर करोगे, क्योंकि आज़ादी दो जीने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो कमी है, तो धारा 377 की बात करता हूँ, चाहे मेंटली दिख या फिजिकली कोई तकलीफ है, उसका इलाज होना चाहिए, न कि उसको किसी तरह की छूट हो, वो लगता है ठीक नहीं है। उसका विरोध भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो कह गया, कोर्ट तो एक अपना दिशा दे सकती है, उसमें भी कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन सच क्या है, सही क्या है? फ्यूचर जनरेशन में इतना गंद फैलने वाला है, आप सोच नहीं सकते। अभी दुखद है, बोलते हैं भाई, बाप बोल रहा है भाई लड़का कहाँ है, बोले रात को बाहर गया, बोले पता लो किसके साथ है, लड़की साथ में ठीक है, तो उदाहरण लड़के साथ है तो खतरा है। तो यार थॉट क्या जा रहा है, हर चीज़ के दोनों परिणाम होते, पक्ष विपक्ष दोनों होता है ना। पर पहले इतना नहीं था जितना अभी खुल कर आ रहा है। ये एक फिल्म फिल्म समाज का आईना है, पहले भी होता था, आज भी है। फिल्म भी है सर, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मीडिया सोशल मीडिया में लोग ज़्यादा आसानी बहुत सी बातें लिखते हैं, गाली का तो आज की तारीख में देखा, ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान रेप में लगा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ रेप हो रही है। तो मतलब ये अचानक बाढ़ जैसे आ गई, तो मीडिया का ही प्रॉब्लम है, वो दिख रहा ज्यादा, जो चीजें पहले नहीं आती थी तभी हुई थी, अब आने लगी है। ये सही कह रहे हैं, जरा जरा सी बात। तो मीडिया का अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन हम कौन सी इसको, जैसे लोग प्रचार में अपनी बात कहने के लिए आप कौन सा अच्छा माध्यम चुनेंगे, ठीक है ना। मैं राष्ट्रवाद के बारे में लिखता हूँ, चाहे 10 लाख फॉलोअर हैं या 20 लाख फॉलोअर हैं, कुछ 1 करोड़ पहुँच जाती है, अपने आप पहुँचती है, प्रमोट करती भी है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ हो सकती है, बुरी चीज़ को लोग पहुँचा सकते हैं, अच्छी भी। आप पर डिपेंड करता है आपकी विचारधारा क्या है, आपकी जीवन शैली क्या है, आपका संस्कार क्या है, आप देश को या परिवार किस रूप में लेते हो, वो भी महत्वपूर्ण है ना। तो व्यक्ति कैसा है उसके हिसाब से उसकी सारी चीज़ चलती है। कोशिश है, बाकी तो भगवान ईश्वर हाथ में रहता कुछ चीज़ एक अलग तरह की। मतलब इस दौर में संस्कृत में काम शुरू किया तो मतलब सब लोगों का इसकी वजह ये नहीं है कि मतलब विचार सभी देंगे ना। अच्छा, इसमें जो आज के समकालीन अपना जो प्रॉब्लम है, पुराना दोहा आज की प्रॉब्लम है, उस वक्त दोनों टच किया मैंने, अब देखा होगा दोनों लुक दिया मैंने, दोनों रखा, दोनों टच किया, और चाहूँगा ऐसी फिल्में बने, समस्या आज की हो, कैरेक्टर चाहे जो, उसमें बहुत सी बात कहने में आसानी हो जाती है। वैसे भी क्रांतिकारियों में मालूम कुछ लोग सम्मान में आज़ाद को सम्मान मिले नहीं, सम्मान मिला ना, वो स्थान मिल पाया ना, नहीं नहीं मिल पाया, तो सीधा हम लोग हर कर्तव्य 2 साल जब से कर रहा हूँ मैं काम। अब सारी बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि अभी आदमी जागरूक हो गया, सब कुछ सामने आ, लेकिन वो भी उसमें भी दिक्कत क्या पता है कि सब क्रांतिकारियों को अलग अलग प्रांतों ने जाति और प्रांत में बांट लिया, चाफेकर का सम्मान वहाँ पर नहीं है, यहाँ पे भगत सिंह पंजाब में नहीं है, पंजाब भगत सिंह को लेकर भ्रांतियाँ रही है, भगत सिंह आज की तारीख दिखा जाए गांधी नेहरू पर भगत सिंह की चर्चा रहता है, नशा नशे से पूरा पंजाब लस चंगुल में, उसे को मतलब नहीं, क्रांति की बातें होती लेकिन जीवन शैली वैसी नहीं। देश को आज जिस व्यक्तित्व की जरूरत थी आजाद जैसे, उसको लेके मैं आ रहा हूँ और पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इस फिल्म के बहाने। कहानी किस तरह की है ये, कुछ किसको लेके बनाई गई है, आजाद है लेकिन किसको लेके है? आजाद थे तो क्या थे, आजाद आज होते तो क्या करते, और आज की तारीख में आजाद देश की जरूरत है, वो थॉट लेके आया। ओके, किसके ऊपर है ये, कोई 1947 पर आधारित है या भगत सिंह? दोनों युग सब पर है। फिल्म किस तरह की मैसेज देगी आज की युवाओं को, क्योंकि आजकल जो नेशनलिज्म है लोग काफ़ी भूलते जा रहे हैं, देशवादी को, तो ये फिल्म किस तरह से हेल्प करेगी नेशनलिज्म को? ये फिल्म देश को जोड़ेगी, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मानसिकता का इसको बढ़ावा देगी, और मुझे लगता है कि आने वाली फिल्म कई विषयों में दिशा भी देगी। आपका कैरेक्टर जानना चाहो, किस तरह का कैरेक्टर है? आजाद जी रहा हूँ, जिंदगी जीने की कोशिश की मैंने। ओके, किस तरह इस कैरेक्टर को आपने ढाला अपने इस फिल्म में? मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे जीवन शैली आज़ाद के आसपास ही रही थी, आज़ाद महान थे, बचपन से आज़ाद आराध्य के रूप में ही देखा मैंने उनको, और बनारस के आसपास बिलोंग करता हूँ, तो अलाहाबाद बनारस और आज़ाद का जो सम्मान है, जो उनका रुतबा है, वो न केवल लोगों का है, आज भी इतना है, आज आज़ाद देश की ज़रूरत है, इसलिए मैंने व्यक्तित्व को अपनाने की कोशिश की, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की। सर, फिल्म की बात करें तो कई सारी फिल्म देश की इस तरह की फिल्म आई है फ्रीडम को लेकर, आपकी फिल्म में क्या अलग है कि लोग देखें? ये तो पब्लिक बताइए, मैं तो सभी लोग फिल्म बनाते हैं अपने हिसाब से, मैंने कल और आज कल तो समेटने की कोशिश की है इस फिल्म के अंदर, और आज़ाद देश की जरूरत इतना कहना चाहूँगा, और लोग तय करेंगे हम आप कौन होते हैं।
कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल जब आप ये फिल्म को शूट कर रहे थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कहाँ कहाँ शूट हुआ फिल्म? देश के कई हिस्सों में शूटिंग किया हम लोगों ने, कलकत्ते में शूट किया हम लोगों ने, बनारस शूट किया, इलाहाबाद शूट किया, जहाँ आज़ाद गए थे, काकोरी कांड जहाँ हुआ था वहाँ शूट किया हम लोगों ने, दिल्ली शूट किया, कई महत्वपूर्ण जगह जहाँ आज़ाद गए थे, प्लस आज की कहानियों के हिसाब जहाँ जाना पड़ा मैं शूट किया, रशिया भी गया, नेपाल भी गया, शूट किया हमने। ओके, आज मंत्री साहब भी आए फिल्म के लॉन्च के द्वारा, तो किस तरह का आपने बुलाया, क्या कहा आपने मंत्री को, आपने इन्वाइट किया, कितने टाइम कितना समय दे दिया, क्योंकि उनका बहुत शेड्यूल बिजी रहता है और इस तरह के इवेंट में आना मतलब बहुत सोच समझ के आ जाते हैं। उनको बहुत खुशी थी कि मणिपुरी फिल्म बन रहा था, उनके कुछ लोग पहले जुड़े हुए थे जो काम कर रहे थे मेरे साथ में, मणिपुरी भाषा को ठीक करने की भाषा तो अपनी थी नहीं कि उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए मैं वहाँ की टीम जुड़ा था, उन लोगों का सहयोग था और इनका सहयोग शुरू से रहा, इसलिए उनके मेरे एक शब्द कहने से तुरंत चले आए। ओके, ये फिल्म को रिलीज करने का कितने दिन में रिलीज होगी, कौन से डेट में रिलीज होगी? 2 तारीख को रिलीज, 2 नवंबर को रिलीज होने जा रही है, 10 दिन बाद। ओके, कितने सिनेमा घरों में रिलीज होगी? मुझे लगता है 1200 के आसपास सिनेमा हॉल होगा, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूशन टीम तय करेगी, मुझे लगता है कि 1200 के आसपास थिएटर होंगे। ओके सर, जैसे कि ये फिल्म फ्रीडम को लेके है, तो क्या आप इसको स्कूल में कॉलेजेस में दिखाना पसंद करेंगे या प्रमोशन करें, क्योंकि प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो स्कूल कॉलेजेस में आप जाने वाले हैं? मेरा प्रमोशन लगा चल रहा है, जिन्होंने किया इलाहाबाद में किया, मैंने महाराष्ट्र किया, लखनऊ किया, अभी यहाँ कार्यक्रम करूँ, यहाँ दो साल काम करूँ, उससे लोग जुड़े हुए, एक टीम है जो जुड़ी है लगातार मुझसे, उसमें कोई दूरा नहीं। ओके, 24 घंटा प्रमोशन चलता है हम लोग का, बात कहते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि डायलॉग्स पोस्टर काफ़ी एक दिखा रहा कि नेशनलिज्म को लेके है, तो आज का जो माहौल है देश को लेके, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले मैंने कहा कि आज़ाद की ज़रूरत आज देश को सबसे ज़्यादा है, आज़ाद जितने साथी थे सब महान लोग थे, सुखदेव, राजगुरु, धनवंतरी, यशपाल, सुशीला जी, दुर्गा भाभी, भगवती चरण वोरा, एक से एक महान लोग उनके साथ में थे, आज भी सारे के सारे अमर हुए, ऐसा कोई व्यक्तित्व तो आज़ाद की टीम का नहीं है जिसने अलग से लोग जानते ना हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आज़ाद के व्यक्तित्व पर काम करने का मुझे मौका मिला, भाग्यशाली हूँ कि मैं भारत में जन्म लिया और स्वतंत्र राष्ट्रवाद लेकर चलने का मौका मुझे मिला, उसलिए गौरवान्वित हूँ। क्या ये फिल्म स्क्रीनिंग होगी, देश के मंत्रियों को दिखाने की कोशिश होगी, क्योंकि या कि जैसे कि आज सर आए हैं तो कोई आप दिखाइए अपने फिल्म में या किसी को? लोगों तो पहले पहुंचे, बाकी तो मंत्री हो तो बात की चीज़ है, जरूरी है कि जिसके लिए फिल्म बनाई, देश के लिए, देशवासियों के लिए, देश में जन्म लेने वाले लोगों के लिए पहले वो तो देखें। और क्या आप मांग करेंगे ये फिल्म टैक्स फ्री की ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, सरकार काम आएगा, लोग पैसा दें, उसी देश का काम होगा, विकास होगा देश का, सरकार कोई भी रहे, देश को पैसा चाहिए, हमें देंगे ना, कौन देगा, हम टैक्स फ्री क्यों मांगे। ओके, इसके अलावा क्या कहना चाहिए आपके फैंस ऑडियंस को, कितने आप एक्साइटमेंट है, नर्वस है इस फिल्म को लेकर? नर्वस नहीं है, मैं खुशी हूँ, और जो जीवन जी रहा हूँ अभी जन्म से लेकर अभी तक, तो वो जीवन जिया मैंने यहाँ पे, मेरे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बाकी उनका काम है, पीछे चलना तो अलग विषय है, मुझे जो करना था मैंने किया, अच्छी चीज बनाई है, पब्लिक क्या उसको प्रतिशत करती है देखते हैं। थैंक यू सो मच। पूरे देश को जोड़ने की कोशिश हमारी है, शिवराज फिल्म बनाई है, हाउकिप जी हमारे साथ में, जो जाने जाने हमारा जो पूर्वी हिस्सा भारत का कटा हुआ है, हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तान का उससे जुड़ाव नहीं है, यानी मैं, मुझे लगता है मैं बॉम्बे में, दिल्ली में कहीं जाता हूँ तो मणिपुर के, नागालैंड के, मिजोरम के, असमी, उड़िया के लोग दिखाई यहाँ के और देते हैं, तो मेरे मन में था कि जब कोई ऐसा काम करे जिसमें सारे लोग जुड़ने का मौका मिले, और मैंने उसको जोड़ा, आज़ाद के बहाने, भगत सिंह के बहाने, तो सब में जोड़ने की कोशिश की है। सर, बहुत सारी फिल्में आई हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ अलग फिल्म है, क्या है इसमें अलग, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो 26 भाषाओं वर्ल्ड की पहली मूवी है, दूसरा राष्ट्रवाद से होते फिल्म ओत प्रो फिल्म है, जिस थाट की देश को ज़रूरत है सबको लेकर चलने की, वो थाट लेकर हम लोग आए हैं, और आज़ाद को इसके पहले अब तक लोगों ने दिखाया गेस्ट अपीयरेंस, भगत सिंह फिल्म उनका छोटा जरूर होता है, हमने पहली बार आज़ाद के विचारों के, आज़ाद थे तो क्या, आज होते तो क्या, वो थाट लेकर चलेंगे। इसमें दो पहलू दिखाया है, एक इसमें पुराना दिखाया है और एक दोनों उसमें क्या डबल रोल है, क्या है डबल रोल है, तो इसमें डायरेक्ट जो है आपने की, कैसा एक्सपीरियंस है टोटल? बहुत अच्छा, बढ़िया, जो चाहा मैंने किया, बंधन नहीं था कोई किसी का, ये मत करो मत करो। दुबे साहब के लिए कितनी ये जो मूवी है? एक तुम साउथ की तरह जान दुबे मासूरा जी का भारतीय सिनेमा दुनिया देखने वाले आगे लेके चल रहे हैं, आज हिंदुस्तान का जो है ना हाल है वो जितना अच्छा, जिसको आज हिंदी सिनेमा कहते हैं, वो सबसे अच्छे बनाने में उनका योगदान रहा, नहीं तो आप पाकिस्तान की सिनेमा ले लो, नेपाली ले लो, या आप श्रीलंका ले लो, इनका कोई स्तर नहीं है, स्तर बनाने में बॉम्बे टॉकीज़ योगदान दिया, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनका, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा बुनियाद दिया जिससे काम करना आसानी हुई उनको। और सर, कितनी भाषा में टोटली? 26 भाषाओं में तो आज जो है पोस्टर मणिपुरी का लॉन्च किया गया है,
तो इसके लिए क्या कितना मुश्किल था ये बनाना? मुश्किल तो था ही, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, सब अच्छा है, सबका साथ मिला, हाकुम जी का साथ मिला, इनकी पूरी टीम मेरे साथ में थी, रात दिन काम किया डायलॉग में, जो राइटिंग में था, तो इनकी पूरी टीम मेरा सहयोग किया, इसका नतीजा फिल्म इतना अच्छा बन के आया। हर क्या उम्मीदें हैं सर इससे आपको इस फिल्म? उम्मीद क्या है, देखिए संस्कृत पीछे बनाई ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ देश को बदलूँ, हम लोग मणिपुरी भाषा के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम की भाषा से और असमी उड़िया, तो हम लोग चाहते हैं देश में बदलाव आए, देश एक हो। इसमें म्यूजिक की बात करें, किस किस ने दिया है म्यूजिक? बप्पी ने दिया, मैंने भी दिया, वंदे मातरम मेरा ही था। इसके लिए कितनी तैयारी की, कितना वर्कआउट किया आपने? 24 घंटे, मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ी, 24 घंटे काम, उसी लाइफ को जीता हूँ, मेरे लिए आसान था काम करना। चंद्रशेखर की लाइफ के ऊपर कि कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कैसे रहते थे, उसके ऊपर कितनी आपने? मेरे दादा की मुलाकात आज़ाद से हुई थी, चश्मे आज़ाद से हुई थी कानपुर रेलवे स्टेशन पे, तो कहीं ना कहीं वो बचपन से थॉट में था और मैं खुद ही आज़ाद हूँ, लाइफ जाहिर है क्योंकि मैं काम करने में आसानी हुई, पर जी परिवार के जीवन में रहा, मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट रहूँ 10 साल वहाँ रहा मैं, तो आज़ाद के विचारों के आसपास हमेशा रहा। ये जो है बॉम्बे टॉकीज को एक नया मतलब पुनर्जन्म कहेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? इसको पुनर्जन्म कह सकते हैं, हमने उसके उठी पुनर्जन्म कहना मुश्किल नहीं, उस पर कुछ धूल थी हमने सफाई की। दादा की इसको कितना ऊपर तक लेके जाएंगे अभी, और इसके साथ में और कितनी फिल्में फ्लोर पर? उनके जैसा तो बखर बनना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश होगी उनके सपनों को पूरा करें और विचार अच्छे लें, गंदगी ना हो, वल्गरिटी ना हो, एक क्लीन और अच्छी पिक्चर, देश को जुड़ने वाली फिल्म बनाए और बना दिया। इतने लोगों को इन्होंने ब्रेक दिया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट बॉम्बे टॉकीज ने सैकड़ों लोगों को एस्टैब्लिश किया है, सैकड़ों फिल्में बनाई है, तो हम जैसे आपको अपनी बुनियाद, जैसे लोग कहते हैं, मुझे किसी ने कुछ देर पहले पूछा कि भाई आप पुराने नाम को लेकर पूछा, खुद ही अपना काम करो, मैंने कहा कि भाई आप अपने बाप दादा पुरानी प्रॉपर्टी चाहिए, उनके गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, लैंड चाहिए, लेकिन परंपरा बिलोंग नहीं करोगे, जो ऐसी परंपरा बिलोंग नहीं करता भाड़ में जाए, अपने पुरुषार्थहीन हो रहे हिंदुस्तान को पुरुषार्थ की जरूरत है, वो आपकी स्वतंत्रता राष्ट्रवाद लेके आए। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में जो मणिपुर में आज लॉन्च हुआ है? ये बहुत बढ़िया फिल्म होंगे, बिकॉज इसमें 24 लैंग्वेजेस स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न में एक मणिपुरी लॉन्च इसमें शामिल, तो ये सबसे खास बात है, दैट पीपल्स इन नॉर्थ ईस्ट आर ऑफ एप्रिहेंशन दैट दे आर बींग फॉरगॉटन बाई द मेनलैंड इंडिया, बट दिस टाइम आज़ाद हैज मेक इट, आई रियली thankful to Azad for remembering the Northeast people, bringing, trying to bring together the entire India into one in film industry. Thank you. It's a great pleasure for me. Thank you. और राष्ट्रपुत्रा भाई ने हमने सबको जोड़ने की कोशिश की है, इसलिए कई भाषाओं का निर्माण मैंने किया। So, काफी जिक्र हुआ बॉम्बे टॉकीज का भी, उसके अप्स एंड डाउन की बात हुई, तो कितना प्रेशर आपको कि न्यू तरह से लेके चलना है? देखिए दबाव तो जाहिर है कि इतिहास को लेगेसी को लेकर चलते हैं हम लोग, बाप दादा पुराने परंपराओं का पालन करना कठिन काम होता है, प्लस राष्ट्रवाद लेके चल रहे हैं, सनातन भारत गौरव के लेके चल रहे हैं, प्लस देश में इसको कई कमियां हैं उसको लेके चल रहे हैं, तो आज की तारीख में जो प्रासंगिक है आज भी जरूरत आज़ाद से विचारों की है, इसलिए मैं उनको पकड़ा और लेके आया। फिल्म में दो दिखा रहे, आदत भी दिखा रहे आप, नए भी दिखा रहे, क्या क्या कहानी है? आज़ाद थे तो क्या थे, अगर आज़ाद होते तो क्या होते, कहानी अपनी कल से कल आजकल की कहानी है। हमने हिंदुस्तान कई हिस्सों में शूटिंग किया है, स्पेशली आज़ाद जहाँ जहाँ गया, झांसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, काकोरी कांड जहाँ की तो वहाँ लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, प्लस दिल्ली हो गया, हरियाणा, कई हम लोग शूटिंग किया जहाँ आज़ाद गए थे, जहाँ की जरूरत थी, आज भी जहाँ जरूरत थी हमने किया। छः भाषाएँ हमारी ओरिजिनल हैं, मैंने साहित्यिक जीवन की शुरुआत JNU से हुई है, तो मेरा पहला जो कार्यक्रम वहाँ से हुआ, मेरा पहला शुरुआत वहाँ से हुई, मैंने जो भी जो मैंने कुछ दिन पहले कहा मैंने उसका कई जो जवाब मैं JNU जाके दिया, मैं तो स्पेशली स्टूडेंट हूँ मिलिट्री स्कूल का, घोसला मिलिट्री स्कूल। ऐसा नहीं, JNU सब कुछ है, वहाँ वामपंथी भी है, तो वहाँ पे आज के कई और भी लोग हैं, वहाँ की जो कमियाँ उसको दूर करने की कोशिश हमारी है, उसका जवाब मैंने दिया, भारत रेट टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसका जवाब वहीं जाकर मैंने जवाब दिया, भारत की जमीन टुकड़ा नहीं जिसके टुकड़े हुए हैं जी। हाँ है, जो मैं कह रहा हूँ फिल्म का हिस्सा है, जो मैंने सोचा, जो जाना, जो मेरे अंदर था, मैंने वही फिल्म दिखाने की कोशिश की है। नहीं, अच्छी बुरी चीज हर जगह है, जो अच्छी है उसको एक्सेप्ट करिए, मुझे लगता है कि JNU शिक्षा संस्था इतना बेहतरीन शिक्षा संस्थान है,
वो जन्नत है शिक्षा के क्षेत्र का। अगर वहाँ उस कमियाँ उसको दूर करने का हमारा आपका काम है, देश में अगर कुछ कमियाँ दूर थे, परिवार में गंदगी होती है, करने का काम होता है, सब बुरे नहीं, इक्का दुक्का चीज़ों की वजह से उसकी छवि खराब हुई, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और ठीक करेंगे। सर, आप वहाँ से हैं तो ऐसी क्या मैं वहाँ से नहीं हूँ, मेरे साहित्य जीवन शुरुआत वहाँ से हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इक्का दुक्का लोग डिसरप्टिव राजनीति करते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें डेवलप्ड हैं और उसका विरोध भी करते हैं, पूरा देश विरोध करता है। क्या कौन पसंद करेगा इस नारे को, भारत तेरे टुकड़े को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या अच्छा है? आप पसंद करोगे? नहीं ना, तो जवाब दोगे ना, तो आप जो जहाँ पे उसे जवाब देता देता है, मैंने जवाब दिया फिल्म के माध्यम से दिया, मैं वहाँ भी कार्यक्रम लिया मैंने, अब यहाँ भी कह रहा हूँ जी। सर क्या कहेंगे सर, आपने गाने देखे सर, क्या कहेंगे सर आप? मुझे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया पार्ट है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर को वी फील महसूस किया हम लोग, वी हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, इवन दो वी आर इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन, बट दिस टाइम आजाद हैज प्रिपेयर टू इंक्लूड अस इन अ बिग मूवी, इन अ इंडियन बॉलीवुड मूवी दैट Meitei loans are included. This is the greatest part. I think this film will be a great success. Kitna teach kiya aapne Manipuri language ke liye sir? Teach bataye kuch? Teach to maine thodi ki bhai expert hai. I'm as a minister of the state. Yes, I'm coming here because to show solidarity with the language that he has put in. So, a big congratulations to Rashtraputra and Azad. Sir, why Sanskriti? Sanskriti, bahut kam log aaj ke daur mein, bahut kam log samjhenge. Samjhna hoga sir, kyunki Marathi, Hindi, Sanskrit ki lipi ek hai, Devanagari. Aap apni buniyad ko yaad nahi karoge, mool ko yaad nahi karoge, uske aadhar pe imarat khadi kar doge, theek nahi hai. अभी कुछ देर पहले कहा कि आपको अपने बाप दादा की पुरखों की प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड चाहिए, खेत चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको अगर पुरानी चीज़ चाहिए तो उनके संस्कार भी लेने होंगे आपको, स्वाधीनता की बात करनी होगी और पुरुषार्थ विहीन हो रहे हिंदुस्तान को ठीक भी करना होगा आपको। डिफरेंट नहीं था, मैं सोचता जो मैं सोच रहा हूँ ठीक से पिक्चराइज हो जाए, देखिए पिक्चराइज करने की कोशिश की, दबाव नहीं था, खाली मैं जो चाहता हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, जो चाहता हूँ वही दिखाई दे, और दबाव की खैर काम करते, सुबह उठना है, शाम को सोना है तो जल्दी सोना है, सुबह उठना है तो दबाव तो रहता है, बाकी दबाव नहीं था। सारा काम मैंने खुद किया, कि पूछना था नहीं, तो मेरे काम करना आसानी हो, अगर कई लोग रहते काम में तब हर कदम कदम में दिक्कत होती, कोई रास्ते में था नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं था, मैं काम करना आसानी हो, जैसा मैं चाहे लोगों ने छोड़ दिया, मैं काम किया। ये फिल्म कुछ बातें क्या, बहुत कई चीज़ें मैं नहीं छुई, मैंने ये फिल्म देखो मालूम पड़ेगा, अभी कहना ठीक नहीं, दो नंबर रिलीज़ हो रही है, अब देखेंगे तो अच्छा। हाँ सेकंड नंबर का बर्थडे, हाँ शाहरुख खान का बर्थडे, और क्या लगेगा? हाँ नहीं, कल मैंने गा रहा कि वंदे मातरम, वंदे मातरम इसलिए किया कि जो वंदे मातरम मैंने शूट किया, जो मैंने गाया, वो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अली बंधु का विरोध करे उसको निकाल दिया, दुर्गा दशमी धाड़ी, वो मैंने शूट किया, उसको पिक्चराइज किया, उसको गाना भी गया। आज की तारीख में जो वंदे मातरम राष्ट्रगान में जो विवाद जो हुआ था, भाई राष्ट्रगान के रूप में जनगणमन हो कि वंदे मातरम, तो उसकी विरोध की वजह से राष्ट्रगान से निकल गया था वंदे मातरम, वो मैंने शूट किया गया, भाई गाना बप्पीदा ने किया है, मेरे बड़े भाई की तरह बप्पीदा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं जन्म से आज़ाद हूँ, आप आज से लेके कहने के लिए कोई विक्रमादित्य कहता है, अभी कोई कुछ और कहता है, कोई रुद्र कहता है, कोई सभा सचिव कहता है, मेरी टीम मुझे जिस रूप में देती उस नाम जानती है, मैं हूँ आज़ाद, था आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ जन्म से ही। थैंक यू।